गाइस हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशा। नमस्ते सस्त्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमो बुद्धाय। यस तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि जुड़वाज जो है वो म्यूजिक खोद खोद कर निकालते हैं और मतलब आपको तो पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं कि हम लोग हर एक, चाहे वो कोई भी कंट्री हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, म्यूजिक म्यूजिक होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग गाना करने वाले हैं, पता नहीं मेरे को कौन सजेशन ये किया था ऋषु, वैसे ही हमारा दिमाग नहीं चल रहा था, बट पता नहीं इसका सजेशन मेरे को एकदम से याद आया कि यार एक बेटा है करके नहीं क्या उनका, तो उनका एक गाना चल रहा है करके बहुत अच्छा वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी दोस्त ने सजेस्ट किया था, मेरी एक पाकिस्तान दोस्त ने सजेस्ट किया था, तो उसने बोला था कि यार एक गाना है ऐसा ऐसा इधर बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल, तो मैंने बोला कि ठीक है, ये बहुत पहले बोला था मेरे को, बहुत पहले बोला था, ठीक है, तो अभी याद आया मेरे को वो चीज, क्योंकि इतने सारे गाने रहते तो हमको भूल जाते ना। तो फाइनली ये मुझे गाना नहीं पता बिल्कुल ये गाने के बारे में। सुशांत ने बोला कि यार ये गाना अपन रिव्यू करते हैं, बोला चलो ठीक है। अजान सामी खान एक लम्हा फिट माया अली, 6 मिनट का गाना है, 6 मिनट में क्या भाई ने किया है देखते हैं। और बाकी आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन देते रहो, और नए हो तो चैनल को शेयर भी कर देना तो नए पब्लिक को पता चलेगा। ओके, और जरूरी है फटफट सब्सक्राइब करना, और बाकी 1 मिलियन पे पहुंचने का पब्लिक, 1 मिलियन पहुंचने का है गाइस, जल्दी जल्दी फटाफट शेयर करो, पब्लिक को दिखाओ और सब्सक्राइब करो, तो हमको भी रिव्यू करने को मजा आएगा। और बाकी तो आई लव यू गाइस। चलो लगा दे प्यार, जान है पाकिस्तान की पब्लिक, सब पब्लिक अपनी जान है, जुड़वास की पब्लिक 3-3 नंबर पे ट्रेंडिंग पे लाती है हमारे वीडियोस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू। चलो इतना प्यार इंडिया में जो पाकिस्तान की पब्लिक देख रही है उनको नहीं देखेगा जो, तो चलो चालू करते हैं। ओके नाइस, ओके, अरेंजमेंट तो अच्छा है, सीन सच्चे यूज किए। कल शादी आने बचेंगी और मैं रुखसत करती जाऊंगी किसी और के साथ। रुखसत मतलब पता नहीं, जिसको इस दिल ने कभी अपना नहीं तस्लीम किया। तस्लीम मतलब भी नहीं पता, तुम अपने आप को मेरे काबिल नहीं समझते। चलो मान लिया, मैं किसी और को अपना नहीं मान सकती, ये कैसे मान पाऊं। आखिरी बार तुमसे मिलने आ रही, बस एक लम्हा मुझसे मिलकर अपना आखिरी फैसला सुना देना। गाइस उर्दू वर्ड्स प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में समझाना प्लीज। सरे तस्लीम कम होगा फकत तुम्हारी रूही। वाव नाइस कॉन्सेप्ट यार। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी फना है, यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में ना मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। Wow.
वाओ सवरता है तेरे ख्यालों से जगमगाता है तेरे उजालों से रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ पागलों सा तेरा पागलों सा तेरा जिक्र कर मेरे चैन सुकून तेरी राह है तू रुकी ख्वाबगाह है तुझसे बिछड़ के बाखुदा जीना सकूंगा एक लम्हा आता है दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे गम गाइस चलो मैं अभी थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ जो मेरा काम है बोलना बिल्कुल मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पता नहीं ये आजाद सामी खान जो है हाँ। ये पता नहीं हमारे अदनान सामी जी का कोई रिलेटिव है या क्या है पता नहीं हाँ, क्योंकि सेम दो वो हाँ, शकल और गाने का स्टाइल भले वो वाइब ने मैच नहीं हो रही तो अदनान सामी जो गाते हैं उनके इसमें नशा ही कुछ अलग है नशा ही कुछ अलग है मैं बोली मतलब ये मैं इनको और उनको कंपेयर नहीं कर सकता सिंगिंग में ठीक है पर मेरे को ऐसा वाइब आया शकल से और सामी भी लिखा है मुझे पता नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेटिव हो सकते हैं क्यों और एक दूसरी बात क्या अरेंजमेंट बता देना कमेंट में बताना और जो अरेंजमेंट जो है पहले स्टार्टिंग से आते स्टार्टिंग स्टार्ट जो हुआ है इतना भर भर के काम बढ़िया एकदम मस्त सीन चल रहा है बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है ठीक है कंपोजिशन बहुत प्यारी जो बहुत ज्यादा जरूरी है अब गाने में जी कंपोजिशन उतने ही प्यारा अरेंजमेंट बिल्कुल बहुत अच्छा निभाया एक कवाली वाला फील होता है ना गाइस समझ रहे हो क्या वो एक प्रॉपर आ रहा है बखूबी निभाया है अरेंजर ने अरेंजमेंट में काफी अच्छा अरेंजर है और एक दूसरी बात अगर बोलूं तो आई लाइक द कॉन्सेप्ट वीडियो की बात कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने हर एक चीज परफेक्ट रखी है जैसे कि ये वीडियो का कॉन्सेप्ट है पीरियड तो पीरियड शूट किया है उनके कपड़े भी कॉस्ट्यूम्स भी वैसे ही दिखाए हैं वीडियो का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वैसे ही कॉस्ट्यूम्स है घोड़े दिखाए हैं वो गैम्बलिंग चल रही है वैसे दिखाया है टांगा वगैरह आपकी इसमें क्या बोलते पता नहीं और मतलब और जैसे कि अभी वाला इसके पहले जो शॉट आया था काफी मैंने पॉज किया इसके पहले वो जो कॉस्ट्यूम्स थे कैमरा और वो एंगल था वो कलर ग्रेडिंग थी तो ओवरऑल बहुत अच्छा किया है तो आई लाइक द कॉन्सेप्ट और अरेंजमेंट काफी अच्छा बहुत बहुत प्यारा मेरे को कोरस लगा जो जैसा कोरस पार्ट आया ना वाओ दिल खुश होगा प्रॉपर बहुत अच्छा अरेंजमेंट बहुत अच्छा कंपोजिशन बहुत अच्छी लिरिक्स सो ये होता है प्रोडक्टिव काम सो आई लाइक द ट्रैक वेरी नाइस आराम आता है दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम इलेक्ट्रिक गिटार आ गया यार वाओ Yeah.
तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। वाह नाइस। कपड़े पे कोई ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब ना गाइज ऐसे कंपोजिशन एंड ऑल बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं गाइज, बहुत ज्यादा हार्ड, समझ रहे हो क्या? क्योंकि एक तो मेरे को एंड थोड़ा एंड नहीं समझा मेरे को, ये जो लास्ट में वो देखता है तो खत्म हो गया क्या, टू बी कंटिन्यूड है क्या है पता नहीं, क्योंकि लाइट भी चली गई, फिर वो बाहर जाके देखता है, फिर वो एंड कंफ्यूजिंग है थोड़ा, डायरेक्टर पता नहीं मेरे को ये कंफ्यूजिंग है, बट गाने के बारे में कंपोजिशन बहुत प्यारा है, अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि हम सुनते नहीं है ऐसा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सुनते है ऐसा, ठीक है ऐसा फील सुनते है, बट मुद्दा क्या है कि प्रॉपर अरेंज करना ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है कंपोजिशन के साथ। बिल्कुल, तो जहां पे जैसा अरेंज करना चाहिए था उतना ही प्यारा अरेंज किया है। तबला देखो, तबला और ढोलक जहां पे आ जाता है ना, सिंथ विंथ ये सब आ जाता है, मजा आ जाता है सुनने। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे जो कलर ग्रेड जिसने भी किया है, हमारे भाई है मोहम्मद जायरी भाई, और डीओपी हमारे थे सुलेमान रजाक, और डायरेक्टर है पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये उर्दू तो सॉरी वीडियो टीम जो थी बहुत बढ़िया। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि स्टाइलिश मावी कायानी मेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये जो नाम लिए मैंने, बाकी सबका काम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, सबका जो ये होता है ना हाथ जो होता है तभी वीडियो बनती है, पर इन लोगों ने जो मेन पिलर्स थे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, वीडियो की अगर बात करें तो बहुत अच्छा उन्होंने सजाया, कलर ग्रेड से लेके हर एक चीज से लेके, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि गाना ना जैसा अजान सामी खान भाई ने बहुत प्यारा गाना एक मतलब इन्होंने निभाया है, ठीक है, उतनी प्यारी लिरिक्स अपने एम तुराज भाई ने जो लिखी है, ये नाम हमारे इंडिया में खाली हैदराबाद में सुनने को, हाँ ऐसे टाइप के बहुत प्यारा कोरस और बहुत बढ़िया, इवन में बहुत प्यारा यहाँ पे हारमोनियम समझ लो, तबला ढोलक ये सब ना बहुत अच्छा लग रहा था, इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह जो आई थी बहुत अच्छा लग गया था, विक्की अली विक्राह और पोकेशन से प्रताप एंड ये तो इंडियन नाम है प्रताप एंड परवेज, तबला यूसुफ एंड शादाब, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, खालिक एंड शादाब, हारमोनियम विशाल धुमाल, अरे ये तो मराठी हिंदी नाम है, रिदम अरेंज बाय सजाद अली चंदवानी, वाह बहुत बढ़िया यार, सिंधी भाई आ गए। हाँ तो गाइज बाकी म्यूजिक प्रोड्यूसर और अरेंजर है शफाकत अली और एलेक्स शहबाज, बहुत वेरी नाइस यार, मतलब हर एक चीज परफेक्ट, हर एक चीज परफेक्ट, बहुत प्यारा कंपोजिशन, ये ऐसा प्रोडक्ट सुनने में ना गाइस मजा ही आता है, कुछ भी हो जाए आप रुक नहीं सकते, समझ रहे हो क्या? बट क्या है, हमको बीच में इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि आपको बताना था, तारीफ करनी थी, तो बहुत अच्छा काम आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने यहाँ पे दिया है, बहुत अच्छा, सबका दिल से प्यार। बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे हमको सजेशन देते रहो तो हमको पता चलेगा कि और क्या क्या गाने हमको आपको रिव्यू देना है, बाकी ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को शेयर कर देना तो नए पब्लिक को पता चलेगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत के साथ।